टिकटॉक पे पाबंदी लगा दी है, इस फैसले पर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा हुआ इस पे, अब नहीं बहुत पहले इस पे एक्शन हो जाना चाहिए था। मेरे ख्याल से तो यूट्यूब भी बैन होनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि किसी भी चीज पे बैन लगाना वो उसका परमानेंट सलूशन नहीं होता। सम पॉइंट्स पे अच्छा हुआ है और सम पॉइंट्स पे नॉट अ बैड। नौजवान नस्ल है हमारी बहुत खराब होती जा रही थी, कोई स्टडी की तरफ फोकस नहीं है, कोई जो हमारा खेलों का है वो सिस्टम सारा खत्म होता जा रहा था। चाइनीज ऐप को बंद करके हम अमेरिकन जो ऐप है उसको अगर हम उसको इस्तेमाल करेंगे तो पाक चाइना ताल्लुकात खराब नहीं होंगे इससे? अमेरिका हमसे कोई अच्छा रिश्ता नहीं है, चाइना से हमारा रिश्ता जो है वो अच्छा है। मेरे ख्याल से चाइना का जो ऐप है वो लॉन्च होना चाहिए, चलना चाहिए, और अमेरिका का नहीं चलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान ताहिर खान और आप देख रहे हैं रियल फेस मीडिया। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता रोज़ टिकटॉक के ऊपर पाबंदी लगा दी। इस पाबंदी से कुछ लोग खायफ हैं और कुछ लोग इसके हक में हैं। आज हम आवाम के अंदर मौजूद हैं और इसी बारे में उनकी राय जानेंगे कि टिकटॉक की बंदिश के ऊपर उनका क्या कहना है। तो चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? राणा हैदर। राणा हैदर भाई, आपको पता होगा गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के अंदर टिकटॉक पे पाबंदी लग गई है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? मैं कहता हूँ बहुत अच्छा हुआ है, गवर्नमेंट का अच्छा फैसला है, क्योंकि जो जान की बेहयाई उधर होती थी टिकटॉक पे, वक्त ज़ाया होता था। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा फैसला किया। गवर्नमेंट का ये फैसला आपको मंजूर है? हाँ जी मंजूर है। वो जो टिकटॉकर्स बेरोजगार हो गए उनके हवाले से आप क्या कहें, उनका काम चला गया? सर टिकटॉक पे से मिलता क्या था उन्हें? रात मिलते थे ना, इश्तरार के ऊपर जो है ना उनको पैसे मिलते थे। चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ, गवर्नमेंट का अच्छा फैसला। गवर्नमेंट ने गुज़िश्ता रोज़ टिकटॉक पे पाबंदी लगा दी, इस हवाले से आप क्या कहेंगी? इस हवाले से इमरान खान का ये बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि इससे जो है ना हमारी यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी और नेगेटिव बहुत ज़्यादा इसके पहलू हैं, बच्चों की एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट इसके आ रहे थे, इसलिए ये बहुत बेहतरीन डिसीजन है। टिकटॉकर्स कह रहे हैं हम इंटरटेनमेंट दे रहे थे लोगों को, और इसके अलावा ये है कि इससे हमें आमदनी भी हो रही थी, हमारा रोज़गार जा रहा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? नहीं, इनकी तो इनकम का इशू है, लेकिन जो है पूरे पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए तो बच्चों के फ्यूचर का जो मसला है उसके लिए बहुत बेहतरीन डिसीजन है कि जो है ना इस पर बैंड ही लगा रहना चाहिए। और मज़ीद मुझे ये बताइएगा कि अगर ये पाबंदी उठ जाती है तो फिर आप क्या कहेंगे, गवर्नमेंट को इस फैसले पे कायम रहना चाहिए? बिल्कुल इस फैसले पे कायम ही रहना चाहिए। अच्छा, जहाँ टिकटॉक बैन हो चुका उसी जगह यूट्यूब ने एक शॉर्ट्स के नाम से भी एक एप्लीकेशन लॉन्च की है, तो वो भी पाकिस्तान में आ रही है, उस हवाले से आप क्या कहेंगी? मुझे तो मेरे ख्याल से तो यूट्यूब भी बैन होनी चाहिए। आप कह रही हैं यूट्यूब बंद होना चाहिए, यूट्यूब से तो बहुत सारे लोग अपनी तालीम का भी फ़ायदा लेते हैं, तो उनके लिए नुकसान नहीं होगा ये? तालीम का फ़ायदा लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली लोग 90% जो है ना वो इसका मिसयूज़ करते हैं, इसलिए बेहतरीन डिसीजन यही होगा तो उसको बैन किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सुभान। सुभान भाई, आपको पता होगा गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट ने जो टिकटॉक के ऊपर पाबंदी लगा दी, इस हवाले से आप क्या कहेंगे, अच्छा किया? मैं तो ये कहना चाहता हूँ भाई कि अच्छा ही किया है यार, एक तरह से अच्छा ही किया है, क्योंकि ज़्यादातर बेशर्मी तो इसी से ही फैल रही है भाई। बस इस हवाले से मैं ज़्यादा बात करना नहीं चाहूँगा, बस मेरा तो गवर्नमेंट को अच्छी है। इमरान खान के इस डिसीजन से आप एग्री करते हैं? बिल्कुल। अच्छा, जहाँ बहुत सारे लोग जो है ना इसके हक में, आप भी इसके हक में हो, लेकिन ये भी बताएं ना कि आप देखिएगा कि लोग कह रहे हैं कि यार हमारा रोज़गार जा रहा है। इसमें तो ऐसा कोई रोज़गार है ही नहीं ख़ास वैसे, बस जिसको लगता है कि इसमें रोज़गार है शायद उसका ख़राब हुआ होगा, बाकी जो है इसमें कोई अच्छा रोज़गार तो है ही नहीं सर। इसकी जगह जो है YouTube Shorts के नाम से जो है ना एप्लीकेशन लॉन्च हो रही है, तो वो भी YouTube Shorts जो है ना TikTok की जगह लेगी, उस वाले से आप क्या कहेंगे? ये YouTube में फिर भी थोड़ा बहुत चल जाता है, वो तो लोग देख भी लेते हैं, वो साफ भी है, लेकिन TikTok जो है ना वो तो ज़्यादा से ज़्यादा एक चीज़ का बस मजाक उड़ाया जा रहा है, जितना भी वो चीज़ संजीदगी से आया हो ना वो ख़राब हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? राणा दानी। राणा दानी, आपको पता है गुज़िश्ता रोज़ टिकटॉक पे बैन लगा दिया गया है, इस फैसले से आप क्या कहेंगे? जी सर, बैन तो लगा है तो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि किसी भी चीज़ पे बैन लगाना वो उसका परमानेंट सलूशन नहीं होता। मेरे ख्याल से उसमें कुछ उनको ऐसी जो है ना तब्दीलियाँ करनी चाहिए जो कि वल्गर कंटेंट है या जो कि जिसकी वजह से बैन लगा है, तो मेरे ख्याल से उसको हटाना चाहिए, कुछ ऐसे रूल्स निकालने चाहिए टिकटॉक को, जो कि PTA ने वो शो भी किया है, जो उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया उसमें लिखा भी है कि उन्होंने जो है ना टिकटॉक के जो ऑफिशियल्स हैं उनको मेल वगैरह किए हैं, लेकिन उनकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया, तो उसके बाद उन्होंने जो है ना इसको बैन किया है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो है ना वो तब्दीलियाँ लानी चाहिए, चेंजेस लाने चाहिए कुछ इनके, जिस तरह यूट्यूब पे आप अगर आप कोई वीडियो लगाते हैं जो कि किसी भी इदारे के खिलाफ है, मजहब के खिलाफ है, या उसमें कोई सेक्सुअल कंटेंट है, तो उसको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक लग के वो डिलीट हो जाती है। तो मेरे ख्याल से टिकटॉक पे अगर इस तरह का आ जाए रूल तो अच्छी चीज़ है, लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं, तो साथ में गलत है, तो गलत के अगर वो रूल्स आ जाएँ तो फिर बेस्ट है। तो मेरे ख्याल से बैन
नहीं, परमानेंट सलूशन नहीं है ये। YouTube शॉर्ट्स के नाम से एक बिल्कुल मुतबादल TikTok की जैसी एक ऐप जो है ना मुतारिफ करवाने जा रहा है, जो कि हिंदी और उर्दू जुबान में जो है ना आपको मैसर होंगे। तो क्या आपको लगता है कि TikTok इसलिए बंद की जा रही है ताकि YouTube शॉर्ट्स आ सके? वो भी इंडिया में वो फीचर्स आया, पाकिस्तान में नहीं आया, तो लेकिन लॉन्च हो जाएगा जल्दी। तो लेकिन वो देखते हैं आगे वो क्या किस तरह उसको चलाते हैं, उसमें कोई रूल्स होंगे, क्योंकि यूट्यूब एक बहुत पहले बड़ा प्लेटफॉर्म है और एक अच्छा काम कर रहा है। तो मेरे ख्याल से वो इस तरह नहीं करेगा जिस तरह TikTok है कि इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, जो चाहे मर्जी जहाँ से मुँह उठा के कुछ भी बोल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अजीम ग्रामर। अजीम ग्रामर, कल जो है उस पर पाबंदी लगा दी है TikTok पर, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का और PTA का अच्छा बहुत अच्छा इकदाम है, बंद होना चाहिए था। कोई अच्छा तो उससे कोई हो नहीं रहा था, हमारा जो नौजवानों का नस्ल है वो ख़राब हो रही थी, फांसी पे आ रही थी, ठीक है। उनकी कोशिश यही थी कि वहाँ जो कैप्चर हो जाए वही था, जो ना जो नौजवान नस्ल है हमारी बहुत ख़राब होती जा रही थी, कोई स्टडी की तरफ फोकस नहीं है, कोई जो हमारा खेलों का है वो सिस्टम सारा ख़त्म होता जा रहा था। हमारे जो यंग नौजवान है वो TikTok बनाने की है, कोई कोई क्रिकेट नहीं खेल रहा, किसी को कोई हॉकी फुटबॉल इस तरह के गेम जो है वो तकरीबन बंद होने के चांसेस ज़्यादा हो रहे थे। तो मेरे ख्याल से इमरान खान का जो PTA का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा उनका इकदाम है, बंद होना चाहिए था, इसको बहुत अच्छा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। का नाम? अफनान। अफनान, आपको पता है गुज़िश्ता रोज़ TikTok पर पाबंदी लगा दी गई, इस हवाले से आप क्या कहते हैं, अच्छा किया गवर्नमेंट ने या बुरा किया? अब देखा जाए तो सम पॉइंट्स पर अच्छा हुआ है और सम पॉइंट पर नॉट अ बैड। मतलब कि देखा जाए इसमें काफ़ी लोग मतलब कुछ क्लिप्स यूज़ कर रहे थे जो कि फैमिली के अंदर बैठ कर नहीं देख सकते, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत अच्छा हुआ है। बहुत का आजकल की नई नई न्यू जनरेशन मतलब लाइक है 15 years 16 years, वो बहुत ज़्यादा मतलब किस तरह क्लिप्स यूज़ कर रही हैं जो कि हमारी आने वाली जनरेशन पर बहुत बैड इफेक्ट पड़ रहा है, उस तरह से देखा जाए तो बहुत अच्छा हुआ है। अगर देखा जाए तो बुरे तरफ से काफ़ी लोग थे जिनका यहाँ पे मतलब रोज़गार चल रहा था, उनका अर्निंग पॉइंट था यहाँ पे, बिकॉज़ यू नो दैट देयर इज़ नो जॉब नो टाइम, सो दैट मैनी पीपल्स आर अर्निंग फ्रॉम दिस पॉइंट। तो हम ये कह सकते हैं उनका अर्निंग पॉइंट था ये वाला, उनको देखते हुए कह सकते हैं कि ये अच्छा नहीं हुआ, दैट्स आर डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। अच्छा, इसी तरह TikTok के मुतबादल YouTube भी YouTube शॉर्ट्स के नाम से एक ऐप मुतारिफ करवा रहे हैं, आपको लगता है कि इसकी रिप्लेसमेंट तो नहीं TikTok की? मे भी इसकी रिप्लेसमेंट हो सकती है। देखिए, अब जो चीज़ बैन की है उसको मुतबादल तो निकलेगी निकलेगी हमारी मार्केट में, अगर कल को वो भी निकलेगी वो भी ऐसे ही मतलब वाह यार मतलब कह वाले अगर वीडियोज उसमें यूज़ होंगी तो वो भी कल को बैन हो जाएगी। लेकिन आई थिंक ये एक कह लें कि सोशल एक्सपेरिमेंट के तौर पर बंद किया है कि वहाँ का क्या रिएक्ट है, उस पर कितने लोग अफेक्टेड होते हैं, कितने लोग मुतासर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हसन। हसन, कल जो है TikTok पे पाबंदी लगा दी है, इस फैसले पर आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा हुआ है इस पर, अब नहीं बहुत पहले इस पर एक्शन हो जाना चाहिए था। TikTok मेरी नज़र में इंतहाई एक फहाश किस्म की ऐप है, कोई स्क्रॉलिंग नहीं है, कोई आप देखें ना कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपके घर के बच्चे से ले कर लेडी से ले कर एक मतलब स्टैंडर्ड नहीं है, हर इंसान वहाँ पर जिसका जो दिल करता है वीडियो बनाई TikTok पर डाल दी, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, उसके अंदर प्राइवेसी किसी किस्म की प्राइवेसी नहीं है, हर तरह की वीडियोस वहाँ पे आती हैं। अब एक घर का एक बच्चा है उसने वीडियो बना के अपलोड कर दी, उसकी वीडियो कहीं वायरल हो गई, कहीं के कहीं जा रही है। बेशक ये जो एक्शन अब लिया गया बहुत पहले ले लेना चाहिए था, और इसके साथ के जो बाकी फर्दर ऐप्स हैं लाइक आपकी लाइकी, वो भी TikTok की तरह की ही एक एप्लीकेशन है जिसको आजकल बड़ा प्रमोट किया जा रहा है, इससे पहले कि वो भी मज़ीद इस लेवल पर पहुँचे हमारी हुकूमत को चाहिए कि उसको भी प्रमोट होने से पहले ब्लॉक कर दिया जाए, और ये एक बड़ा अच्छा एक्शन हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, हम इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, जो TikTok सारफीन है वो ये कह रहे हैं कि अगर ये TikTok बंद होगी तो इसी तरह ऐप्स लॉन्च होती रहेंगी इसके पैरेलल, अब ये YouTube की तरफ से जो है ना ऐप एक और लॉन्च कर रहे हैं बिल्कुल TikTok जैसी होगी, तो क्या इसको भी बंद करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए बंद, अगर तो देखें एक चीज़ का फ़ायदा नहीं है। TikTok पे वीडियो बना के मुझे बताएं क्या मिलता है आपको, फेम, ऐसी फेम का क्या फ़ायदा? फेम का फ़ायदा तब हो जिस, अब मुझे पता कि यार मुझे फ़लाँ चीज़ में अगर मैं कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ अपनी, मुझे उससे अर्निंग होती है, ये मेरा ज़रिया आमदन है, मेरी मुआश मतलब ज़रिया आमदन है, तो मुझे उसका फ़ायदा हो रहा है TikTok पे वीडियो बनाने का। अब एक चीज़ का फ़ायदा क्यों नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है, हर इंसान लगा हुआ है काम से, कारोबारी लोग हैं कारोबार से को छोड़ के और हर वक्त वो भी TikTok पे वीडियोज़ बना रहे हैं अपनी बैठ के बिला वजह, मतलब फ़ायदा कोई नहीं है एक चीज़ का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? रिजवान अली। रिजवान अली, कल जो है TikTok पर पाबंदी लगी है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे, कैसा लगा गवर्नमेंट का ये फैसला आपको? मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का फैसला दुरुस्त भी है, क्योंकि आप देखें TikTok पर ऐसी ऐसी गंदी वीडियो आती हैं जो हमारा जो मुआशरा है, हमारा जो न्यू जनरेशन है और खसूसी जो ख़वातीन हैं उन पर बहुत बुरे असरात पड़ते हैं। इस वजह से
मैं चाहता हूँ इस वजह ये होना चाहिए कि पाबंदी से ऐसी होनी चाहिए, अगर ये वीडियो गलत है, मतलब ऐसी जैसी जनरेशन में, न्यू जनरेशन में जो है नेगेटिव असरात पैदा हों, मेरे हिसाब से वो बैन होनी चाहिए। लेकिन टिकटॉक अगर अच्छे से चलाएं तो फिर बैन नहीं होना चाहिए। आप टिकटॉक देखते हैं? जी देखता हूँ। तो अभी आपको कैसा लग रहा है, टिकटॉक बंद होगी अब आप चला नहीं पाएंगे? अभी तो दो तीन दिन तो अजीब लगेगा, लेकिन वैसे सेटिंग हो जाएगी। अच्छा, टिकटॉक के बंद होने से बहुत सारे लोगों का जो ना रोज़गार भी चला गया, वो समझते थे कि टिकटॉक से हम अर्निंग कर रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये कि पाकिस्तान की जो नुमाइंदगी है इंटरनेशनल लेवल पर हो रही है वो ख़त्म हो गई, नया टैलेंट आना बंद हो जाएगा, तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? सर देखिए, ये मुस्लिम मुल्क है, इस्लामिक कंट्री है पाकिस्तान, जो टिकटॉकर हैं उनको देखकर वीडियोस बनानी चाहिए कि इस्लामिक कंट्री में हम रहते हैं, इस्लामिक लोग हैं, हम मुसलमान हैं, इस वजह से ये सोचना चाहिए। अच्छा, दूसरा आपने कहा टिकटॉक बंद हो जानी चाहिए, टिकटॉक तो बंद हो जाएगी, उसके साथ ही मुतबादल एक ऐप यूट्यूब शॉर्ट्स के नाम से जारी हो रही है, ठीक है, हिंदी ज़ुबान में, जो कि हम भी समझ जाते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे, ये पाकिस्तान में भी लॉन्च हो जाएगी? अगर एक और ऐप लॉन्च हो जाएगा उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर देखो ना, मुस्लिम हो के हम ऐसी हरकत करें और ऐसी वीडियोस बनाएं, ये हमें शोभा नहीं देता। चाइना जो हमारा एक बहुत पुराना दोस्त है, ठीक है, ये उसी की ऐप है टिकटॉक, इसको बंद करके अमेरिकन यूट्यूब शॉर्ट्स के नाम से जो ऐप है वो चलाना, आपको लगता है इससे हमारे ताल्लुकात ख़राब होंगे चाइना के साथ? लाजमी है अगर वो बंद करवा के और हम अमेरिका हमें हमसे कोई अच्छा जो वो जो है रिश्ता नहीं है, चाइना से हमारा रिश्ता जो है वो अभी अच्छा है, तो मेरे ख्याल से चाइना का जो ऐप है वो लॉन्च होना चाहिए, चलना चाहिए, और अमेरिका का नहीं चलना चाहिए मेरे हिसाब से। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम जिसमें हमने टिकटॉक की बंदिश के ऊपर बात की, आवाम ने अपनी राय का इजहार किया, कुछ तो इसके हक में थे और कुछ इसके खिलाफ। आपकी क्या राय है नीचे कॉमेंट में अपना ज़रूर इजहार कीजिएगा। मुझे ताहिर खान और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने